आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। जी हाँ, ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने का तरीका जो बदल गया है, लेकिन पहले जो क्या होता था, यहाँ पे आप आते थे, मोबाइल नंबर डालते, ओटीपी डालते, तो आधार नंबर डालने के बाद डाउनलोड आप बड़ी ही आसानी से नॉर्मल तरीके से ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर पाते थे। लेकिन अब बदल दिया गया है सिस्टम को, अब बिना फिंगर का आप ई श्रम कार्ड या ओटीपी का डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, वो भी न्यू तरीके से, अब न्यू अपडेट के साथ अब ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। पहले वाले पुराना जो वाला जो मेथड था, वो मेथड, वो तरीका आप काम नहीं करेगा ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने में या अपडेट करने में। यहाँ से आप सिर्फ बना सकते हैं, अपडेट या डाउनलोड नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम तो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, तो यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको न्यू अपडेट के साथ डाउनलोड करना, अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया बताने की कोशिश किया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गुजारिश करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की नॉलेज को जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा register.esrm.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, अपडेट प्रोफाइल या डाउनलोड UNI कार्ड। अपडेट प्रोफाइल को करना चाहते हैं, यानी कि अपने कार्ड को सुधारना चाहते हैं, वो अपडेट प्रोफाइल पे कर सकते हैं। यहाँ से आप सारी जानकारी को सुधार सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर आप कार्ड को डाउनलोड करना चाहते तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम पहले अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर से आप बनाए थे अपना ई श्रम कार्ड, वो मोबाइल नंबर डालेंगे। और ये कैप्चर, जी कैप्चर को इस बॉक्स में डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी भी क्लिक करना है। उसका जो मोबाइल नंबर आपने दिया, उस मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है, तो आप यहाँ पे सेंड ओटीपी भी क्लिक कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे, तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई आप फिंगरप्रिंट से करेंगे या ओटीपी से करेंगे। अगर फिंगरप्रिंट से करेंगे तो फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करेंगे, ओटीपी से करेंगे। ओटीपी के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, या फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करेंगे और कैप्चर बायोमेट्रिक भी क्लिक करेंगे। आपकी मशीन पे लाइट जलेगी, आप फिंगर लगाएंगे। फिंगर कैप्चर हो चुका सक्सेसफुली। फिंगर लगाने का कुछ इस तक आएगा, यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ वैलिडेट भी क्लिक करेंगे। वैलिडेट भी क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी, आपकी फोटो वगैरह, आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक मार कर अपडेट KYC इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ से आप सभी से कुछ सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं, अपडेट कर इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप सभी डिटेल को सुधार सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एडुकेशन, इनकम, एक्यूपेशन या बैंक डिटेल, उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ये सभी डिटेल को आप सुधार सकते हैं। जैसे पर्सनल डिटेल सुधारेंगे तो पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन भी क्लिक करेंगे। जैसे कि हम एक्यूपेशन को सुधार करेंगे, करेक्शन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्यूपेशन वर्क आ चुका है, यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस 4 साल का है, तो इसे हम कर लेते हैं, 6 साल इसे कर लेते हैं, 6 साल एक्यूपेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट होकर बैक आ चुका है। अब यहाँ बैक पे क्लिक करें, अब यहाँ से हम डाउनलोड UNI कार्ड, यानी कि डाउनलोड ई श्रम कार्ड कर सकते हैं। इसी तरह अपना ई श्रम कार्ड को न्यू अपडेट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले आप यहीं से आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चर डाल के ओटीपी भेजते थे। ओटीपी भेजने के बाद ओटीपी डालते हैं, उसका आधार नंबर मांगा जा रहा था। आधार नंबर डालने के बाद आपको प्रोफाइल ओपन हो जा रहा था, लेकिन अब क्या है, अब आपका प्रोफाइल वहां ओपन नहीं होगा, आपको बताया जाएगा कि आप यहां से करें। इसलिए अगर आप यहां से डाउनलोड करने, अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि आप यहां से करें, जो मैंने आपको बताया। इसलिए आप यहां से सिर्फ बना सकते हैं, और डाउनलोड अपडेट करने के लिए आपको ये तरीका, जो तरीका मैंने आपको बताया, उस तरीके से आपको करना होगा। ये एक न्यू अपडेट थी इस रम की ओर से, जो अब आपने अभी सीखा और लाइव देखा। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।